बड़ी खबर अब आपको सुखदेव सिंह हत्याकांड से जुड़ी बता दें, जहां सुखदेव सिंह गोगामेडी का पोस्टमार्टम हो चुका है, देर रात उनका पोस्टमार्टम हुआ। आज सुखदेव सिंह गोगामेडी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सबसे पहले सुबह 7 बजे उन्हें राजपूत सभागृह में रखा जाएगा, वहां उनका अंतिम जो है अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, क्योंकि राजपूत समाज में बहुत नाराजगी है। उनका यह कहना है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी बार बार कहते रहे कि मुझे खतरा है, मुझे आप सुरक्षा दीजिए, नहीं किया गया। पंजाब की मोहाली स्टेट स्पेशल यूनिट बार बार कहती रही, खत लिख रही है कि आप लोगों को इनको सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, लेकिन नहीं किया गया। तो सुखदेव सिंह हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं और बड़ा अपडेट। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ भवानी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ दीपक। सबसे पहले मैं भवानी का रुख करूंगी, क्योंकि भवानी वहां मौजूद है जहां पार्थिव शरीर रखा जाएगा सुखदेव सिंह का। भवानी, क्या अपडेट है? और राजपूत समाज खासा नाराज था, क्योंकि जब यहां पर पहुंचेंगे तो बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। देखिए, अभी मैं राजपूत सभा भवन हूँ जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा और सभा भवन के बाद लगभग खड़े हैं उनके इंतजार में पार्थिव शरीर के। अभी वहाँ से सवाई मानसिंह अस्पताल से शव लेकर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, फिर उसके बाद में गोगामेडी ले जाया जाएंगे यहाँ से हनुमानगढ़ के। कितनी देर में आने वाले है? लगभग अभी आधे घंटा है फिलहाल में यहाँ, उसके यहाँ से निकलने के बाद सीधा फिर गोगामेडी के लिए, सीधे गोगामेडी जाएंगे। हाँ, यहाँ सपना रास्ते देंगे सोते हुए, सभी भाई साथ में निकलेंगे जाएंगे। और आरोपियों की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, कहा था कि 72 घंटे में, आपको लगता है विश्वास है हो जाएगी? अब देखते हैं सामने जो होगा। अभी जो दिया गया जो आश्वासन दिया, आश्वासन ही देते हर बार, फिलहाल काम तो कैर करते नहीं हम। आज कोई नई बात तो नहीं, हमारे साथ आनंद बाल परकर ले लो, चतुर सिंह का ले लो, कई बहुत से ऐसे प्रकार, हर बार आश्वासन दिया और हर लॉलीपॉप दे के निकाल दिया, फिर दे दिया। मैं जानता हूँ उस बात को, लेकिन हमारे समाज के बड़े बड़े लोग थे, उनकी बात तो हम काट नहीं सकते। जैसा उन लोगों ने किया समय बताएगा, और देखते हैं जो होगा वो सामने आएगा, और उसकी उम्मीद है अगर दिया आश्वासन तो देंगे, करते हैं नहीं करते हैं क्या होगा भरोसा। मांगे 11 मांगे थी, सारी मांगे तो मान ली? हाँ, जहाँ तक भाइयों को ज्यादा पता है, सभी मांगे मान ली, सभी 11 माने पूरी की पूरी मानी गई। हमारे अग्रणी जो भी राजपूत समाज के जो भी लीडर थे, सबकी सब 11 की बातें हमारी मानी गई है। अब अंतिम संस्कार करेंगे आज, अभी आज अंतिम संस्कार। कब तक पहुंच जाएंगे वहां? 2 बजे गोगामेडी पहुंचने का टाइम है, 2 बजे तो तकरीबन 3 से 4 बजे का अंतिम संस्कार। हाँ, 3 बजे का टाइम, 3:15 बजे का अंतिम संस्कार, गोगामेडी टाइम रखा 3:15 बजे का टाइम। हाँ जी। और एक जो FIR दर्ज कराई गई कल उनकी पत्नी की ओर से, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और DGP का भी नाम है, उनको क्यों आरोपी? वो एक शंका के आधार के ऊपर, मतलब जिस हिसाब से DGP ने 12 महीने पहले, हमने 23 फरवरी को ये जांच सौंपी गई थी, पंजाब के DGP ने जो लेटर दिया था, उस शंका के हिसाब से हमने ये मुख्यमंत्री और DG के ऊपर शंका दायर के हिसाब से FIR की गई। और एक आतंकियों के खतरे की बात उसमें FIR में की गई है, तो जो वो खतरे की बात की गई है जिसमें FIR में कहा गया था कि इनको जो ये गैंग है विदेश में बैठे कुछ आतंकियों से, पहले भी धमकियां मिली, ऐसा था? नहीं, ये राइट था, 2 साल से धमकियां मिल रही है, ऐसा नहीं कि कल ही से धमकियां, 2 साल से ईमेल के जरिए मिल रही है, फ़ोन के जरिए मिल रही है, ऑडियो कॉलिंग के हिसाब से ये धमकियां तो करीब 1.5 साल 2 साल से मिलती आ रही है, लगातार धमकियां। जो लेटर लिखा था उन्होंने, जो लेटर का हवाला दिया कि मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा, DGP को लिखा, फिर भी सुरक्षा नहीं मिली? सुरक्षा 2 दिन के लिए दी गई थी, 2 दिन के बाद हटा दी गई थी। हमने जब जब लेटर दिया, DGP को भी दिया है, कमिश्नर को भी दिया, मुख्यमंत्री को आवास के ऊपर भी जाके दे के आई। एक बात और सामने आई कि इनको पहले 2 दिन पहले इनकी हत्या करना चाहते थे, 3 तारीख को जूम कार पहले ही किराए पे ले ली थी। देखो, ये सोची समझी लोगों में नाराजगी भी है, सवाल भी है कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री से कि जब अल्टीमेटम मिल रहा है, अलर्ट मिल रहा है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? बहरहाल, मैं लौटूंगी आपके पास में। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक भी जुड़े हुए हैं उस अस्पताल के बाहर से जहां पर पोस्टमार्टम हुआ। लेकिन अब हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं कि ये पूरा मामला कैसे, कहां से शुरू हुआ और अब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई कहां से कहां तक हुई है। ग्राफिक्स मैं आपके सामने रखती हूं, ग्राफिक्स के जरिए समझाती हूं। सबसे पहले, जयपुर में 5 दिसंबर को घर में घुसकर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या होती है। सुखदेव सिंह गोगामेडी 5 दिसंबर को इनकी हत्या घर में कर दी जाती है। 2 हमलावरों का अब तक सुराग नहीं लगा है। 20 सेकंड में 10 राउंड फायरिंग करते हैं ये। बुधवार को पूरे राजस्थान में दिन भर प्रदर्शन किया गया। नाराजगी थी लोगों में कि कहां है सरकार जो इतना बड़ा हत्याकांड हो गया। जांच के लिए SIT गठित हुई। FIR में अशोक गहलोत और DGP का नाम सामने आया। अशोक गहलोत का नाम सामने आना एक बहुत बड़ी बात,
क्योंकि बड़ा आरोप लगा इनकी ओर से कुछ नहीं किया गया सुरक्षा को लेकर। सुखदेव गोगामेडी का आज अंतिम संस्कार उनके जो गांव गोगामेडी है वहां पर किया जाएगा और आरोपी रोहित राठौड़ के घर पर छापेमारी हुई है। रोहित राठौड़ से जुड़ी जानकारी वहां पर इकट्ठा करने की कोशिश की गई लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मालूम रोहित राठौड़ के बारे में। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक मिश्र लाइव जुड़ रहे हैं उस अस्पताल के बाहर से जहां पर पोस्टमार्टम किया गया, उनका रुक कर लेते हैं। दीपक, पोस्टमार्टम हो चुका है, कभी भी शव यहां से ले जाया जाएगा और राजपूत सभा जहां पर हमारे सहयोगी भवानी मौजूद है वहां पहुंच जाएगा? देखिए बिल्कुल, सवाई मानसिंह जो अस्पताल है वहां पर देर रात शव पहुंचा था क्योंकि काफी मिनटों के बाद और प्रशासन से बातचीत के बाद हल निकला था कि शव का पोस्टमार्टम बहुत जरूरी है क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया था, जिसके बाद सवाई मानसिंह में देर रात शव को लाया गया, पोस्टमार्टम किया गया, डॉक्टरों का एक पैनल बनाया गया था जिसने पूरे फौरी तौर पर प्रशासनिक अमले के साथ यहाँ पर पोस्टमार्टम किया है। उसके बाद अब यहाँ से शव को उनके घर की तरफ जहाँ पर हमारे सहयोगी भवानी है वहाँ पर लिया जाएगा, जिसके बाद आगे की तरफ वो रवाना होंगे। लेकिन जो पोस्टमार्टम में जो पैनल ने किया है उसकी रिपोर्ट कुछ समय बाद मिल पाएगी और ये कहा जा रहा है कि कितनी गोलियाँ जो मारी गई थी उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ही उसमें आंकड़ा बताया जाएगा, इसके बाद ही होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो अभी तक हमलावर जो हैं फरार हैं और पुलिस की कई टीमें देर रात भी कई जगह पर दबिश डाल रही है लेकिन अभी तक उनके हाथ खाली है और यही गुस्सा लोगों को 11 मांगों में से एक ये भी बात है कि 72 घंटे का समय दिया गया है, 72 घंटे में ढूंढिए और निकालिए उन हमलावरों को। मैं भवानी का रुख करती हूँ। भवानी, 72 घंटे का समय दिया गया है, 72 घंटे में मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला से जुड़े हुए भी यही लोग हैं और अभी तक भी ये लोग बाहर पहुंचे हुए हैं, रेड कॉर्नर नोटिस जारी है, कोई ऐसा पता नहीं है इनका और अगला कोई भी टारगेट हो सकता है। देखिए, जो समझौता हुआ उसमें सबसे बड़ी शर्त यही थी कि आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे उस टाइमलाइन के अंदर, वो 72 घंटे की टाइमलाइन दी गई है। 72 घंटे में से आप अंदाज़ा लगाइए कि तकरीबन 12 घंटे निकल चुके हैं, तो 48 ओवर राजस्थान पुलिस के पास में है कि हथियारों को पकड़ना, उनको ढूंढ कर लाना। तो अब ये सबसे बड़ी चुनौती है, लेकर आ पाते हैं नहीं लेकर आ पाते हैं। आपको क्या लगता है कि जो टाइमलाइन, जो डेडलाइन दी गई है कि 72 घंटे के अंदर उनको पकड़िए, क्या पुलिस पकड़ लेगी? यकीन है 72 घंटे नहीं, पुलिस के पास है मुजरिम, पुलिस के पास है, पुलिस के पास है 72 घंटे का, तो पब्लिक के हिसाब से माहौल देख के उसने टाइम डेडलाइन दी हुई है, मुजरिम पकड़े गए हैं। पकड़े गए तो फिर पुलिस बता क्यों नहीं रही, क्या छुपा क्यों? पुलिस का इंटेलिजेंस ब्यूरो का उसका एक अपना दायरा रख के अंदर के हिसाब से उसके हिसाब से वो नहीं बता रही है। हमारे का अनुमान है कि पुलिस के पास उसी टाइम गिरफ्तारियां हो गई थी। कब? हत्या के बाद। हत्या के बाद, हत्या के 6 घंटे बाद उनके पास पुलिस, हमारा विश्वास ये है कि कॉन्फिडेंस 6 घंटे बाद ही हत्यारे पकड़े गए। तो ऐसी कोई वजह आपको नजर आती है जिसकी वजह? अभी उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते ना कुछ समझ सकते भी, ऐसी क्या मजबूरियां हैं। भवानी, आप नजर बनाए रखिए, 7 बजे का समय निर्धारित किया गया जब सुखदेव सिंह का जो शव है वो राजपूत सभा लाया जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। महाकुंभ।